अपनी 10 साल के कार्यकाल के दौरान भाजपा ने नफरत का बीज इतना बो दिया है कि अब उसके फल आने शुरू हो गए हैं। ये फल भाजपा और उसके नेताओं को ही खाने पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कल की घटना की। कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक घटना हुई। कंगना रनौत जो पेशे से अभिनेत्री है और अब हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद भी, उनके साथ एक लेडी सीआईएसएफ कांस्टेबल ने बदसलूकी की। दरअसल जब कंगना रनौत दिल्ली फ्लाइट में चढ़ने के लिए रवाना हो रही थी, तभी सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल जिसका नाम कुलविंदर कौर था, उन्होंने कंगना रनौत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कंगना भाजपा के संसदीय दल की दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए जा रही थी। इसी बीच ये घटना हुई, जिसके बाद कुलविंदर कौर को हिरासत में लेकर उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस लेडी सीआईएसएफ कांस्टेबल ने कंगना के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों की? कौन है कुलविंदर और हमने अपने वीडियो के शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि जो नफरत की बीज भाजपा ने 10 सालों में बोया है, ये उसका ही परिणाम है। दरअसल घटना के बाद जब कुलविंदर कौर से पूछताछ की गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो कुलविंदर ने बताया कि वह कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बयान से आहत थी। उन्होंने महिला किसानों और समर्थकों को पैसे के बल पर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था। एक वीडियो कुलविंदर का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एयरपोर्ट पर ही वह अपना गुस्सा जाहिर करती दिखाई दे रही है। वह कहती दिख रही है कि कंगना ने बयान दिया था कि 100-100 रुपए में महिलाएं किसान आंदोलन कर रही हैं। जब वह ऐसा बयान दे रही थी, तब मेरी माँ भी वहां बैठी थी। इससे साफ है कि कुलविंदर कंगना के इस बयान से काफी आहत थी। इस महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल की अगर बात करें तो वह किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। 35 वर्षीय कुलविंदर 15 सालों से सीआईएसएफ में कार्यरत हैं और इतने सालों में उन पर कोई आरोप नहीं लगे। उनकी छवि बेदाग रही है। ये शायद उनका पहला केस होगा। न्यूज रिपोर्ट्स बताते हैं कि पंजाब के कपूरथला की रहने वाली कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह किसान लीडर हैं और किसान मजदूर संघर्ष समिति में संगठन सचिव के पद पर है। भारत में आप भी जानते हैं कि किसानों की क्या स्थिति है। पिछले कुछ सालों से किसानों के बीच आत्महत्या के भी केस बढ़े हैं। वजह है महंगाई, गरीबी और कर्ज ना चुका पाना। ऐसे में जब कोई नीति ला दी जाए जिससे पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे किसानों को ये लगने लगे कि इससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, तो वह सरकार पर इस नीति को वापस लेने के लिए जोर बनाएंगे, अर्जियां देंगे, विनती करेंगे। अगर फिर भी उनकी नहीं सुनी जाएगी, आंदोलन में उतर जाएंगे, नीति की खिलाफत करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। इसके बावजूद नहीं सुना जाएगा तो थोड़े से उग्र भी होंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था जब भाजपा की सरकार ने किसी की न सुनते हुए एमएसपी से संबंधित 3 कृषि कानून को लागू करने का फैसला किया था। सरकार की ओर से कहा गया था कि इस कानून के तहत देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य है। ये कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देगा। इसके अलावा यह राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोक लगाएगा। इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति, दुकानदार, संस्था आदि को बेच सकेंगे। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत भी खुद तय कर सकेंगे। यानी भाजपा सरकार ने इस कृषि कानून के जरिए कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार का दावा किया था, लेकिन किसानों ने इसका जमकर विरोध किया था। उनका तर्क था कि नए कृषि कानून के लागू होने से एपीएमसी मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी, निजी खरीदारों के पास ज्यादा ताकत होगी और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने दाम पर फसल खरीद सकेंगे। उनका साफ कहना था कि जमींदारों, ठेकेदारों और पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा ये कानून लाए गए हैं, जिससे वे उत्पीड़न का शिकार होंगे। ये विरोध काफी लंबा चला। किसानों ने लगातार इस कानून की खिलाफत की।
लगातार धरने दिए, लाखों की संख्या में किसानों ने आंदोलन किया, उन पर लाठीचार्ज किए गए, आंसू गैस से वार किया गया, इसके बावजूद वे डटे रहे। तब भाजपा के शीर्ष नेताओं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इन्हें आंदोलन जीवी करार दिया, इनके आंदोलन को झूठा बताया। और जब विपक्ष के नेतागण इस आंदोलन को सपोर्ट करने आए तो ये तक कह दिया गया कि ये विपक्ष द्वारा चलाया गया एजेंडा है। इसी बीच भाजपा की कोर सपोर्टर और एक्टर कंगना रनौत ने एक बूढ़ी महिला का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि वही दादी हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। वह बात कर रही थी शाहीन बाग में आंदोलन करने वाली बिल्किस दादी की, जिन्होंने मोदी सरकार द्वारा थोपे जा रहे कानून CAA NRC का जमकर विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें टाइम्स मैगजीन में उस साल की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में जगह दी गई थी। इस बीच कंगना ने कई ट्वीट्स किए थे। उनका एक ट्वीट था कि वो लोग जो CAA के बारे में भ्रामक जानकारी और अफवाहें फैला रहे थे, अब किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने लिखा था, वे देश में आतंक पैदा कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं, और फिर बाद में इसे डिलीट भी कर दिया। यानी इस तरह से कंगना ने न केवल एक बूढ़ी महिला का अपमान किया बल्कि पूरे किसान आंदोलन को बिका हुआ बताया, CAA NRC जैसे प्रमुख आंदोलन को भी बिका हुआ बताया। कंगना के अनुसार वे सारे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन बिके हुए हैं, जिसमें लोगों के मुद्दे होते हैं। लोगों को सरकार का विरोध ही नहीं करना चाहिए, सरकार द्वारा थोपे जा रहे सभी नीतियों को बिना कुछ बोले स्वीकार कर लेना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में सरकार का तानाशाह होना ही बेहतर है। और जो लोग सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं, आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, वे आतंकवादी होते हैं। कल की घटना के बाद भी कंगना इन सब चीजों से बाज नहीं आई। उन्होंने वीडियो के जरिए बयान देते हुए इसे आतंकवाद कहा, कहा कि हमें चिंता है कि हम पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद से कैसे निपटें। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। कल की घटना कंगना और भाजपा के नेताओं द्वारा किए गए नफरती बयानबाजी और उनके फैलाए नफरत का ही परिणाम है। हालांकि इन सब के बावजूद हम इस घटना की आलोचना करते हैं। हमें कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, ना ही किसी भी तरह की हिंसा को सही ठहराया जा सकता है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।